एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप वीडियो, और वो भी उन लोगों के लिए जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जो टीनेज लड़कियां हैं। मैं उनके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अगर आप टीनेज गर्ल हैं तो आपको कितना मिनिमल मेकअप करना चाहिए। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप मेकअप अभी अगर आप टीनेज गर्ल्स हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप कोई हैवी मेकअप करिए या कोई प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाइए, क्योंकि टीनेज गर्ल्स की जो स्किन होती है वो बहुत बेबी स्किन होती है, तो उनके फेस को जल्दी डैमेज कर सकता है मेकअप। तो इसीलिए जितना हो सके टीनेज गर्ल आप मेकअप कम यूज़ करिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो इतना ज़्यादा मेकअप का वो हो गया है ना कि कॉलेज गर्ल की लड़कियां भी आजकल बहुत मेकअप करके जाने लगी हैं। तो पर मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप सिर्फ अच्छा स्किन केयर करिए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल के आपको मेकअप आप करेंगी ही करेंगी। बट जितना हो सके जब तक आप टीनेज गर्ल हैं आप मेकअप कम से कम करिए। तो आज इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, टीनेज गर्ल्स हैं जिनको मेकअप करने का बहुत शौक है, तो आप कम प्रोडक्ट से अपना मेकअप कर सकते हैं। और ये बात सच है कि आप कम प्रोडक्ट से भी अपना मेकअप कर सकते हैं जिससे आपके स्किन ज़्यादा डैमेज ना हो। तो आज वही इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि कम प्रोडक्ट से हम टीनेज लड़कियाँ कैसे मेकअप कर सकती हैं और सज धज के कॉलेज जा सकती हैं। तो चलो आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले मैं लगा लेती हूँ अपना हेयर बैंड ताकि मेरे बाल आगे ना आए और मैं अच्छे से मेकअप भी कर लूँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हो मैंने अपने बालों को पीछे टाई कर लिया है ताकि मेकअप के बीच में आँखों में मेरे बाल ना आए। तो अब क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूंगी मैंने फेस वॉश कर लिया है, आपको भी फेस वॉश कर लेना है और लिप बाम लगा लेना है। और लिप बाम जो मैंने लगाया है वो शुगर पॉप का लिप बाम लगाया है। जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा मैंने आपको बताया है कि मैं शुगर पॉप के ही लिप बाम्स लगाती हूँ, बट फ्लेवर चेंज होता रहता है। अभी जो मैंने लगाया है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लगाया है। तो अभी क्या करना है मुझे, मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम भी नहीं लगाई है। तो पहले लगा लेते हैं मॉइस्चराइजर क्रीम। तो आपको भी मेकअप स्टार्ट होने से पहले मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर लगा लेना है ताकि आपका मेकअप अच्छे से हो जाए। तो पहले लगा लेते हैं मॉइस्चराइजर क्रीम। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ और वो है पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील, और इसमें विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है। तो ये मैं एक छोटू सा मेरे पास मॉइस्चराइजर क्रीम है जो मैं यही लगाती हूँ। तो आप भी टीनेज गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, आप ये मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकती हैं, या आप कोई और भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हैं तो वो भी ठीक है, बट मैं ये लगाती हूँ। तो मैं इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितना भी आज मैं प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, मेकअप करने वाली हूँ अपने फेस पे, उन सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो जैसे आपने देखा कि मॉइस्चराइजर क्रीम मैंने लगा ली है, अब मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद थोड़ा सा सेकंड्स का गैप लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो वैसे तो नॉर्मली हम लोग फाउंडेशन, कंसीलर ये सब लगा लेते हैं, बट मैं टीनेज गर्ल्स को वो अवॉइड करने के लिए बोलूंगी कि आप वो स्किप करिए अभी के लिए, क्योंकि आप अभी छोटी हैं, आपका बेबी स्किन रहता है। तो फाउंडेशन कंसीलर से कितना भी लोग बोलें कि नहीं खराब होता है, लेकिन इतने छोटे में आपको मेकअप नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फाउंडेशन और कंसीलर को स्किप करना है, उसकी जगह लगाना है बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम जो मैं यूज करती हूँ वो है मामा अर्थ की ग्लो सीरम बीबी क्रीम। यस, विटामिन सी इसमें एसपीएफ 30 PA++ है और ये बहुत अच्छी है। मेरे को अगर बहुत कभी मन करता है जैसे एकदम मिनिमल मेकअप करने का, तो मैं बीबी क्रीम ही लगाती हूँ, मैं कोई फाउंडेशन और कंसीलर नहीं लगाती हूँ। तो आप भी टीनेज गर्ल्स को मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप फिलहाल के लिए फाउंडेशन कंसीलर अवॉइड करिए और बीबी क्रीम लगाइए। तो बीबी क्रीम लगा लिया जाए, आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ले लेना है बीबी क्रीम।
अब इसको वैसे ही करना है, हम कंसीलर सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। और ब्यूटी ब्लेंडर को आपको अच्छे से वेट कर लेना है। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से वेट कर लिया था पहले ही, तभी देख रहे हो आप कितना एकदम फ्लफी सा हो गया है ये। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको, सॉरी मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे लगाऊंगी यार, एक मिनट, मैं ना क्या करती हूँ, यस मैं कैमरे में देख के नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ देख के इस पे देख के करूँगी, बाद में आपको दिखाती हूँ। बीबी क्रीम भी यार बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है, अगर कंसीलर जैसा ही देता है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, कंसीलर से भी अच्छा मैं ज़्यादातर यही लगाना प्रेफर करती हूँ। और इससे भी अच्छे से मेकअप हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो ये मामा अर्थ का बीबी क्रीम है ये बहुत अच्छा है, ये आपको एकदम शाइनी शाइनी सा लुक देगा। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने लगा लिया, अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। या मेरे बाल ना पता नहीं क्यों आगे आ रहे हैं। जितना हो सके आप कॉलेज गोइंग लड़कियों को मैं यही एडवाइस दूंगी यार कि स्किन केयर अच्छा करिए, क्योंकि स्किन केयर अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो आपका फेस हमेशा ही अच्छा रहेगा, ना कोई पिगमेंटेशन होगा ना कोई स्किन प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अपने स्किन केयर को अच्छे से करिए, जैसे सनस्क्रीन ये सब लगाना बिल्कुल भी मत बोलिए, भूलिए बोलिए बोलती थी। तो आपको बस अच्छे से इसको, अब मैंने हर जगह लगा लिया है, अब मैं अच्छे से इसको हर जगह ऐसा नहीं है कि मैं कंसीलर फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ, बट ये वीडियो जो स्पेशली बना रही हूँ मैं वो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, टीनेजर लड़कियाँ किस तरीके का मेकअप कम प्रोडक्ट से भी कर सकती हैं उस पर ये वीडियो है। तो आपको बीबी क्रीम ही लगाना है अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छी रहे हमेशा, तो आप बीबी क्रीम लगाइए। और हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अच्छे ब्रांड के अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। कोई भी लोकल मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से आपका स्किन आज नहीं तो कल डैमेज होगा ही होगा, इसलिए आप हमेशा अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट्स लगाइए। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही लगाना है, बट ये है कि अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने से आपका स्किन डैमेज नहीं होगा, बट लोकल प्रोडक्ट्स लगाने से आपका स्किन डैमेज हो सकता है, तो आपको नहीं लगाना है। तो आप जैसे देख रहे हो मैंने लगा लिया है बीबी क्रीम लगा ली है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे लूज पाउडर से। तो लूज पाउडर से सेट कर लिया जाता है, तो आप देख रहे हैं हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे जो मुझे लगता है लगाना चाहिए टीनेज गर्ल्स को, जितना हो सके कम मेकअप करना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अब हम लगाएंगे लाइनर। यस, लाइनर तो ऐसी चीज है ना कि आजकल की सारी लड़कियां लाइनर लगाती हैं, और आंखों में आप कुछ लगाइए ना लगाइए, लाइनर लगा लिया तो आपका चेहरा आपकी आंखें वैसे ही प्यारी लगने लगेंगी। तो अब मैं बिना बात किए पहले लाइनर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा लाइनर बिगड़ सकता है।
एक आंख में लाइनर लग चुका है, अब दूसरी आंख पे लगा लिया जाए। और जो लाइनर मैं यूज़ करती हूँ वो भी बता देती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ मेबेलिन का लाइनर है ये, और बहुत अच्छा है यार। मतलब मैं कितने टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ, ऐसा लगता है ये ख़त्म ही नहीं होता है, सीरियसली नहीं ख़त्म होता। अब हम दूसरी आँख में लगा लेते हैं, मेरे को हमेशा दूसरी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पहले मैं लगा लेती हूँ। तो दूसरी आंख में भी लग चुका है, लग गया। अब इसको थोड़ा हम ड्राई होने देते हैं वरना आंखों में फैल सकता है। यस, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या क्या लगा लिया, मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली, बीबी क्रीम लगा ली, लूज पाउडर लगा लिया, लाइनर लगा लिया, और अब हम करेंगे, अब हम लगाएंगे ब्लश एंड लिपस्टिक। बस इतना ही टीनेज गर्ल्स को मेकअप करना चाहिए। तो अब हम लगाएंगे ब्लश, और जो ब्लश मैं यूज़ करूँगी वो मैंने अभी ही नया ख़रीदा है, मेकअप रेवोल्यूशन का है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। लिक्विड ब्लश है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसी ब्लश ऐसी चीज़ है ना कि आप बस ब्लश कर लीजिए उसके बाद। नाक पे भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा चिन पे भी लगा लेते हैं। अब हम इसको इसी से ब्लेंड कर लेंगे, या हाथ से भी कर सकते हैं, तो हाथ से करके देखते हैं। पहले हम हाथ से कर लेते हैं, यार हाथ से नहीं हो रहा, मैं इसी से करूंगी। और अच्छे से लगा लेते हैं ब्लश थोड़ा, ताकि और अच्छे से दिखने लगे। मैंने थोड़ा कम लगाया है, मैं पहले ना कोई भी मेकअप ना कम ही लगाती हूँ ताकि बिगड़े ना। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लश को हमेशा स्माइल करके ही लगाना चाहिए, तो अच्छे से लग जाता है। लग गया। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, हमारा मेकअप का लास्ट जो हम करने वाले हैं वो करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। और लिपस्टिक पहले मैं आपको बता देती हूँ लगाने से पहले, रेवलॉन की है ये लिपस्टिक, और ये मैट लिपस्टिक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है इसका कलर। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि पिंक कलर है, और पिंक कलर ऐसी चीज़ है ना कि नेचुरल रहता है। और ये वीडियो जो होने वाला है, सॉरी बोल देती हूँ पूरा, ये जो वीडियो है ये कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए है, टीनेज गर्ल्स के लिए है, तो टीनेज गर्ल्स पिंक ही लगाए। हो गया, तो बस यही था। और अब मैं आपको मिलूंगी, जैसे आपने देख लिया मेरा वीडियो, मेरे वीडियो में अभी तक मैंने आपको मेकअप करके दिखा दिया है, अब मैं आपको मिलती हूँ एकदम रेडी होने के बाद। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शॉर्ट्स देखते रहिए, शॉर्ट्स मैं डालती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो बने रहिए, फिर से मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए और खुश रहिए। बाय एवरीवन।